सर सर ये वाला फिर से करो सर, ऐसे दिखाई करो या बॉलीवुड जो है वो आज हंगरी है अच्छे टैलेंट के लिए. बॉलीवुड इज़ हंगरी फॉर गुड टैलेंट. बॉलीवुड इज़ हंगरी फॉर हैंडसम पीपल. बॉलीवुड इज़ हंगरी फॉर नाइस पीपल. तो बॉलीवुड को आज जो ज़रूरत है वो आई थिंक मेरा अगर बेटा हो या आपका भाई हो या आपका भाई हो, आई ऑलवेज फील दैट रियल टैलेंट शुड कम. यू नो इट इज़ नॉट दैट कि बॉलीवुड में एक आदमी बैठेगा और बॉलीवुड कम्प्लीट हो जाएगा. इट्स अथा सागर है. इट्स क्रिएटिविटी का पूरा अथा सागर है. सो सूरज बेरी इज़ आई डोंट कंसिडर हिम ओनली कि भाई ये मेरा बेटा है इसीलिए इसको जो है आना है और चलना है. जस्ट बिकॉज ये एक कैंडिडेट है, एक पोटेंशियल कैंडिडेट है. ये एक रेस में दौड़ेंगे और अपनी क्षमता से दौड़ेंगे. बाकी ईश्वर, बाकी गुड विशेज आप लोग सब लोगों की, ऑडियंस डिसाइड करेंगी हाउ इज़ ही. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक इज़ अंडर रैप्स. मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको रिवील करूँगा. जब वो चीज़ें पकेंगी तो सामने आए तो अच्छी लगती हैं वो. सर कहीं सारे ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी आते हैं कि स्टार किट को लॉन्च करना बहुत ही आसान होता है, उस बारे में क्या कहते हैं? नहीं नहीं, इट्स स्टार किड्स या नॉन स्टार किड्स. शाहरुख वॉज ऑल्सो ए नॉन स्टार किड. आई एम ऑल्सो ए नॉन स्टार किड. अक्षय कुमार इज ऑल्सो नॉन स्टार किड. अजय देवगन ठीक है, वो एक एक्शन मास्टर के बेटे थे विजय देवगन जी, इसकी बहुत फिल्में की उन्होंने. लेकिन जिसको भी लड़ना है, जिसको भी दौड़ना है, उसको अपनी क्षमता से दौड़ना है, अपनी पावर से दौड़ना है. इसी नीचे ज़मीन कौन सी है, ऊपर आसमान कौन सा है, नसीब कौन सा है, चांस क्या है. यू गेट मिलियन चांसेस, बट चलना सिर्फ अपनी क्षमता पे ही है. सो ही हैज़ टू डू हिज ओन, ही हैज़ टू फाइट हिज ओन वॉर. हम सब साथ में खड़े हैं. वी कैन नॉट इवन डू एनी थिंग अबाउट इट. मैं जब स्टेज पे, मुझे पुश करते थे मेरे डायरेक्टर. मैं सब रिहर्सल किया एक महीना, फिर पुश कर दिया. व्हेन यू आर ऑन द स्टेज देन यू आर ऑन योर ओन. तो फिर ऑडियंस को आपको खुद परफॉर्म करना है. वो आपकी हिम्मत, आपका फिर आपका जो अंदर जो पैशन है, आपका टैलेंट है, आपका बॉडी लैंग्वेज है, फिर वही चलेगा. हाँ, मेरे साथ में एक्साइटेड तो मैं हमेशा से ही था, बट अभी यहाँ आके अच्छा लग रहा है. फैमिली से फिर से मिल गए, काफ़ी सालों के बाद आया हूँ, सो अच्छा लग रहा है. बॉलीवुड में डेब्यू तो देखते हैं अभी क्या होता है. आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल. थैंक यू. एक सपोर्ट आपके साथ है, आपके पापा साथ में हैं, तो इस तरह का मतलब थॉट आता है, थॉट प्रोसेस होता है जब आप इंडिया आते हैं तो उनके साथ एक जो मेल होता है, ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. रिलेटेड टू मीडिया? नो, रिलेटेड टू योर फादर एंड सन. फादर एंड सन बॉन्ड हमारा है ही नहीं. एज फ्रेंड, एज मैं छोटा भाई, नहीं मैं बड़ा भाई, ये छोटे भाई जैसे ही बोलते हैं, तो हमेशा से वैसे ही रहे. तो आई होप ऐसे ही रहे हमेशा. ही नेवर कॉल्ड मी बाय माय नेम ऑल थ्रू आउट माय लाइफ. आई मीन पापा, डैडी. माय पेट नेम इज पिंकी, सो ही कॉल्स मी पिंक्स. यू सी. थैंक यू. गुड एक्शन दिया जो हुआ ना. एक सीन नीचे करना है. इसी आज जो हुआ हिंदुस्तान में, आज जो हुआ कश्मीर में, वो उसका अगर सॉल्यूशन आज आप हिंदुस्तान के हर आदमी से पूछो जो हिंदुस्तान को प्यार करता है, अपने देश को प्यार करता है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है. वो सॉल्यूशन ये है कि कांटे से कांटा निकलता है आपके शरीर में, आपके 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 गार्डन में, आपके पेड़ में, आपके समुदाय में, आपके
आपके देश में, आपके कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये दीमक है, तो उसको आदमी ऑपरेट करता है। अगर आपको पता है कि आपकी उंगली में, शरीर में कोई चीज़, ये चीज़ इरिपेरेबल है कि अभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, तो उसको आप करता। हर देश एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा सबका चोली दामन का साथ है। मैं आपको तेल देता हूँ या कहीं से ऑयल लेता हूँ, हम पूरे देश के अंदर अनाज उगाते हैं, हम अनाज देते हैं, सो बार्टर सिस्टम चलता है, यू सी। सो आई फील आर्मामेंट पूरा रशिया का है, इतने सालों से है, सबको पता है। तो आपको पता है कि कश्मीर एक प्रॉब्लम है, आप उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कांटे से कांटा निकालो, आप उसको डिले मत करो। अगर आप करना चाहते हो तो, अगर आप करना चाहते हो तो, हम तो चाहते हैं, यू सी। अगर हमें लड़ना है तो हमारे पास हिम्मत के अलावा उसके हाथ में अवजार भी तो होने चाहिए। तो इसीलिए इसराइल अगर कहता है कि लाइए मैं आपकी दीवार बांध देता हूँ, लाइए मैं सोल्यूशन देता हूँ, तो आप कीजिए ना। आप ऑयल लेते हो ना, ईरान से ऑयल लेते हो ना, सबसे काम करते हो, किसी को चावल देते हो, किसी को गेहूँ देते हो, आप करते हो कि नहीं करते हो? तो सब चीज़ें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 100% ऑयल तो हमारे पास भी नहीं है ना देश को चलाने के लिए, तो हम लेते देते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ऐसा ही ये चीज़ की सोल्यूशन भी आपको निकालनी पड़ेगी। अगर इसका सोल्यूशन कांटे से कांटा है, तो कांटे से कांटा निकालो और उसको सोल्यूट करो, उसको डिले मत करो, इसी बा। और आपको जो जो लोग इसको दीमक बन के चाट रहे हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म को जो है घर के अंदर रहना चाहिए ना, अपने दिल के अंदर रखते हो ना, किसी को इज्जत करते हो, विश्वास करते हो, दिल के अंदर रखते हो, बाहर तो नहीं शाउट करते हो। तो धर्म को घर के अंदर रखो, बाहर बच्चे होने चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, गार्ड पार्क्स अच्छे होने चाहिए, बच्चों की चीज़ें होनी चाहिए, उनको मुहैया करवाइए, दिस वुड हैव गुड फ्यूचर, गुड एटमोसफियर, गुड वातावरण, उसका लेवल को अच्छा, मौसम को ठीक करो। तो कश्मीर जो है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसको बड़ा किया हुआ है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई कहता है, इसराइल कहता है कि लाइए मैं आपको, कीजिए ना, कीजिए सोल्यूशन जी, दैट्स द सोल्यूशन, दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।